श्रीलंका में वो एक और कलाकृति का नमूना हुआ। व्हाट अ बिल्डिंग यार, ये बन रहा है सो मलेशिया की तरह जो स्काई ब्रिज है ना वहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। भाई यहाँ की रोड देखो, इस वक्त मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप एक मिनट इस रोड को फील कीजिए। यहाँ एक ऑर्फनेज भी है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि जो यहाँ पे लोग दान करते हैं या जो यहाँ की फीस पे कर रहे हैं, कई ऑर्फन बच्चे हैं उनका पेट भर रहा होगा, तो ये एक अच्छी पहल है। एक और चीज़ मुझे बताई अभी यहाँ पे भाई साहब ने कि रोड क्रॉस करते के साथ ही एक टेंपल और है जिसका नाम गंगा रम्या टेंपल है, मतलब दो टेंपल एक ही नाम के हैं, तो वो कह रहे वो भी बहुत सुंदर है, देखता हूँ मुझे दिखता है तो डेफिनेटली आई विल गो। भैया ये गंगाराम टेंपल वेयर इज इट? ओवर हियर? दिस वन? नहीं, अनदर वन। अनदर वन? दिस वन। या दैट पर्सन वाज सेइंग जस्ट क्रॉस द रोड एंड देयर इज गंगाराम टेंपल। सेम वन? यू लुक, दिस इज द रेड क्रॉस? नो, गंगाराम टेंपल ओवर हियर। ओके, थैंक यू। यू फ्रॉम इंडिया? यस। श्रीलंका में वो एक और कलाकृति का नमूना हुआ। व्हाट अ बिल्डिंग यार, ओ हो, बेहतरीन। आप ये बिल्डिंग देखेंगे, इसके जस्ट अपोजिट में ही ये टेंपल है जहाँ इस वक्त मैं जा रहा हूँ, इसका नाम ही गंगाराम टेंपल ही बता रहे हैं। गुड आफ्टरनून, श्रीलंकन मनी 400 रुपीज़। $200, इंडिया मनी 200। बिकॉज इन द इवनिंग दैट वुड बी परफेक्ट, लाइटनिंग वाइटनिंग एंड ऑल। जस्ट होल्ड अप, नॉट नाउ बट इन द इवनिंग आई विल कम। ब्यूटीफुल। फिलहाल इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका भी 400 रुपीज़ टिकट है, तो ये मेरे बजट से बाहर चला जाएगा। लेकिन ये भी है कि आप चाहे इसको कवर करना चाहें या उसको कवर कर लो, बात एक ही होगी। बस इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारी तरफ पानी से घिरा हुआ है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इसका। फिलहाल मैं अब टुक टुक कर रहा हूँ और जा रहा हूँ गोल बीच की ओर, और इसका आइडिया मैं फ़िलहाल ड्रॉप कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं थोड़ा बजट के हिसाब से चल रहा हूँ। मैं गल्फ फेस बीच में, काफ़ी शांति वाला माहौल है यहाँ पे, काफ़ी थक जाता है इधर उधर भाग दौड़ करके, तो मैंने सोचा थोड़ा चिल आउट कर लूँ यहाँ पर। तो जस्ट अभी मेरे ख्याल से 11 बज रहे होंगे, तो एक दो घंटे और बिताऊँगा मैं यहाँ पे, फिर होटल की तरफ पढ़ूँगा। और एक चीज़ और बतानी है आपको कि मैंने अभी, मेरे साथ एक ऑटो वाला था, हालाँकि कमी नहीं बोलूँगा मैं उसको, उससे मेरी 250 रुपये में बात हुई थी, 250 रुपीज़ में कि मुझे भाई गीता रमैया टेम्पल से गोल फेस बीच छोड़ दें, तो लेकिन वो गया तो बातों में बोलने लगा कि आप किधर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, तो मैंने बता दिया भाई मैं कैंडी जा रहा हूँ। मेरे को फिर वो कह रहा कैंडी के लिए ट्रेन अभी बुक कर लो, मैंने कहा चले ये बात भी बढ़िया है। तो फिर वो मुझे रेलवे स्टेशन में ले गया, फिर मैंने वहाँ पर ट्रेन की बुकिंग कर ली। ये अच्छी चीज़ करी कि उन्होंने मेरी ट्रेन की बुकिंग करा दी, उसकी टिकट का स्क्रीनशॉट आप अभी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, तो करीब 350 की मुझे पड़ी है, थर्ड क्लास मैंने कराई है ये सुबह 8:30 बजे की। कल सुबह 8:30 बजे मैं उस ट्रेन में बैठ के रवाना हो जाऊँगा कैंडी के लिए। लेकिन वहाँ पे बुकिंग के बाद उसने मुझे यहाँ पे पहुँचाया मेरे ख्याल से बीच में, तो उस बीच में वहाँ पे उसने मुझे करीब आधा घंटा दिया मेरे वो ट्रेन बुकिंग के लिए, तो फिर उसके लिए उसने मुझसे 150 रुपये और ले लिए। लेकिन मुझे बोलने लगा, मैं जब तो 250 पे किया तो कह रहा कि मैंने आपकी इतनी हेल्प की, तो मैंने कहा हेल्प के लिए पैसे ले रहा क्या, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, तू मुझे कोई दिक्कत नहीं, तू 400 रुपये ले ले। तो बस उसको मैं 400 रुपये दे दिए। तो ये सब घटने के बाद थोड़ा आराम पर मारा हूँ। वो ऑटो ड्राइवर मुझे बता रहा था ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, ये जो जितना भी है, ये जितना स्पेस है ना, ये सारा का सारा चाइनीज जो है ना वो ऑक्यूपाइड करके, ऑक्यूपाइड करने का मतलब ये है कि चाइना यहाँ पे सारे शॉपिंग मॉल, जितने नाइट क्लब्स होंगे और
फूड कोर्ट्स होंगे, ये सब यहाँ पे बना रहा है चाइनीज, और वो सारे आइटम ही चाइनीज रखने वाला है यहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट। तो भाई लोगों, ये था, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बीच का दृश्य, काफ़ी अमेजिंग टाइम था यहाँ पे, करीब 1.5 घंटे मैं बैठा हूँगा, लेकिन ज़्यादा क्लोज में गया नहीं क्योंकि कड़क धूप पड़ रखी है और वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हीट लग रही है, इसलिए वो आइडिया ड्रॉप किया, साइड में ही छाया में पेड़ों की तो बैठा हुआ था और चिल मार रहा था। इवनिंग का टाइम ज़्यादा बेस्ट होगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो। वन समोसा एंड स्मॉल कोल्ड ड्रिंक। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, कोलंबो को ना बहुत क्लीन रखा हुआ है इन्होंने, कई रोडों को के चक्कर काट लिए मैंने जगह जगह देख के, यहाँ पे भी देखा है अभी तक काफ़ी साफ सफाई नज़र आई है, एक नंबर है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये बन रहा है सो मलेशिया की तरह जो स्काई ब्रिज है ना वहाँ पे, समथिंग लाइक दैट। देख रहे हो ना आप कितनी साफ सफाई है। ऐसी ट्रेल होती है ना जो समुद्र के किनारे चलती है, इसमें चलने में साला बहुत मजा आता है मेरे को, पता नहीं क्यों, थाईलैंड में भी थी है क्या थी ट्रेल, मुझे बड़ा मजा आता था चलने में। यहाँ की रोड देखो, इस वक्त मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप एक मिनट इस रोड को फील कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितना ब्यूटीफुल है ये कोलंबो। तो बताइए कितने नंबर देंगे इस कोलंबो, मैं तो वाकई बहुत गजब लग रहा है और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ी देर रुकूंगा फिर उसके लिए मैं इंडियन रेस्टोरेंट में वो ढूंढने जाना है यार, भूख लगने लगती है।